अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको लेके आए हैं दरगाह हज़रत अखवंद अब्दुल गफूर अल मरूफ सैदू बाबा रहमतुल्लाह। आपकी दरगाह स्वात के अंदर है जी, और इसके अंदर मज़ीद आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि ये हमारे सिलसिला है तरीक़त, सिलसिला है शेख हज़रत अबूनीस मोहम्मद बरकत अली रुतिहानवी के सिलसिले के अंदर इनका नंबर 36वां आता है, और जो सैदू शरीफ जो जगह का नाम है इनकी वजह से पड़ा है। ये एक गाजी रहे और वलीउल्लाह रहे, इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी जहाद किया है और सिखों के ख़िलाफ़ भी जहाद किया है, और ये दूसरे अमीर सवाद भी थे, और मज़ीद आपको उसके आपके अंदर जाके बताएंगे। साथ मस्जिद है ज़ोर की, नमाज बाजमात लोग नमाज पढ़ रहे हैं, हम उन्हें कलाम कर रहे हैं, इसलिए हम नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। तो हज़रत अखवंद अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह के बैत हुए, अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह, फिर हज़रत अब्दुल करीम रहमतुल्लाह इनके बैत हुए, फिर हमारे दादा मुर्शिद हकीम अमीरुल हसन सुहारनपुरी रहमतुल्लाह, फिर हमारे शेख हज़रत अबूनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुसुल्लाह अज़ीज़ इनके बैत हुए। तो यहाँ पर लेके आने का आपको यही मकसद था कि मैं आपको एक तो सैदू बाबा की दरगाह की ज़ियारत करवाऊँ, और जो तालिबान तरीका अज असी मौजूद हाँ जी हज़रत अखवंद अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह, ये अल्लाह ताला दे बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे है, कि सैदू बाबा रहमतुल्लाह के नाम तो मशहूर मलूफ से। इन्ह की पैदाइश देहरी मंड 1793 ईस्वी हुई है, तो आप यूसुफज़ई स्टेट स्वात के अमीर भी रहे हैं। सैदू शरीफ शहर का नाम आप रहमतुल्लाह के नाम रखा गया, तो बहुत सारे अकीदतमंद तालिबान तरीकत आप मिलन आपना मशवरा कर सैदू शरीफ स्वात आते, तो आप का तलक गुजर कबीले के नाल खटाना आपकी गोद से। इब्तदाई तलीम आपने बरंगोला हासिल की, मजीद तलीम वास्ते आप मरदान गए, जिथे जाके आप हज़रत शुएब रहमतुल्लाह के दस्ते बैत हुए, और मजीद तलीम वास्ते नौशहरा और पेशावर भी गए। 1835 ईस्वी आप तलीम मुकम्मल करके वापस स्वात आ गए, तो 1836 ईस्वी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज़ राज ने स्वात में शामिल करने की कोशिश की हिंदुस्तान के नाल, तो आपने लोगों को इकट्ठे करके ब्रिटिश राज के खिलाफ जहाद किया। उस तो बाद जो सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह 1831 बालाकोट में शहीद हुए, तो सैदू बाबा रहमतुल्लाह ने सैदू शरीफ के लोगों नाल मिला के ब्रिटिश राज के खिलाफ जहाद किया, और सिख राज के खिलाफ जहाद किया। आपने मुतहदा स्वात रियासत का ख्वाब लोगों सामने पेश किया, और एक मुतहदा स्वात रियासत बनाई। 1849 ईस्वी आपने सैयद अकबर शाह को अमीर बनाया स्वात का, और 1857 अकबर शाह की वफात तो बाद आप अमीर स्वात खुद बने। क्योंकि असी फैसलाबाद आए हैं, मेरा तलक मैं बैत हाँ हज़रत अबूनीस मुहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुसुल अज़ीज़ दे, और उन्होंने सिलसिले च सैदू बाबा का नाम भी आता वा 36वें नंबर से। एक सिलसिला तरीकत हों वा, सिलसिला बैत हों जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो शुरू हों, 36वें नंबर से नाम आता हज़रत अखवंद अब्दुल गफूर अल मरूफ सैदू बाबा रहमतुल्लाह। वो अगे बैत उन्होंने हुए हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह, उन्होंने अगर बैत हुए हज़रत अब्दुल करीम रहमतुल्लाह, उन्होंने अगर बैत हुए हकीम अमीरुल हसन शाह साहब, और उन्होंने अगर बैत हुए 40वें नंबर से हज़रत अबूनीस मुहम्मद बरकत अली लुधियानवी कुद्दुसुल अज़ीज़, जिन्हों की दरगाह फैसलाबाद शहर के लिए। तो असी उस सिलसिले जिते हाज़र हुए, जिक्र भी किया उस सिलसिले के, अमीद करांगे
कि तुहानू साडा इत्थे आना साडी रहनुमाई तुहाडी फायदेमंद होएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सैयदू बाबा दरगाह ते हाजिर होने शुक्रिया। इस जगह पर बैठते थे? इस मस्जिद में। अच्छा 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 चार पाई मुबारक। अच्छा 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 बाबा जी का झूला। अच्छा 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 बाबा जी जो तुम्हें वो गया तो मछली बाजार तो निष्का नहीं देंगे। अच्छा 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 ये शुक्राना वाला सुंदर था बाबा जी के दौर में शुक्राना कट होता है। अच्छा अच्छा शुक्राना होता है। अच्छा 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 ये क्या लंगर कच्चा मच लंगर कच्चा मच ठीक होगी ठीक होगी। ये रोजे का दरवाजा है। रोजे जी इनका शजरा लिखा हुआ है। ये रोजे का दरवाजा रोजे करवा। अच्छा अच्छा जो भी लिखा हुआ है ये पास में लिखा हुआ। ये देख है। अच्छा 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 ये नंगर का खाना है। अच्छा अच्छा बना हुआ है। अच्छा 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 वो तख्त पोश मुबारक। अच्छा अच्छा नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा नमाज पढ़ने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबा जी मेहरबानी।